ह्यूमन बॉडी के कई पार्ट्स ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोप से बहुत ही यूनिक दिखते हैं, जो हम नॉर्मली आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन माइक्रोस्कोप में ये बहुत ही अमेजिंग दिखते हैं। आज के वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स अंडर माइक्रोस्कोप कैसे दिखते हैं वो देखेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बोन मैरो मेकिंग ब्लड। इस इमेज में दिखाया है कि बोन मैरो में ब्लड कैसे बनता है। बोन मैरो के स्टेम सेल्स डिवाइड होके ब्लड सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती है क्योंकि ब्लड सेल्स लॉन्ग टाइम तक रहते नहीं है। रेड सेल्स 120 डेज तक रहते हैं और व्हाइट सेल्स सिर्फ 3 दिन तक ही रहते हैं। लंग सेल्स। हमारे लंग्स में ब्लू और येलो कलर के सेल्स होते हैं। ब्लू सेल्स को न्यूक्लियाई कहते हैं, जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और येलो सेल्स को मिटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो सेल्स को एनर्जी देते हैं। सेरोटोनिन क्रिस्टल्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 90% सेरोटोनिन होते हैं। सेरोटोनिन माइक्रोस्कोप में क्रिस्टल्स की तरह दिखते हैं। वैसे सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, जो मेमोरी, मूड और स्लीप के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इनर ईयर। इस इमेज में आप टाइनी स्टोन्स देख सकते हैं। दरअसल ये स्टोन्स हमारे ईयर में होते हैं। सब इंसानों के कान में टाइनी स्टोन होते हैं, जो हमारे सेंसेस को बैलेंस करते हैं। हमारे कान में ये स्टोन्स सेंसरी हेयर से अटैच्ड होते हैं। इंसुलिन क्रिस्टल्स। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में इंसुलिन क्रिस्टल्स की तरह दिखता है। इंसुलिन जो हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखने में मदद करता है। ह्यूमन स्किन। हमारी स्किन बाहर से कैसी दिखती है सब जानते हैं। इस इमेज स्किन का आउटर लेयर माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है वो देखिए। जो येलो कलर में दिख रहा है वो केराटिन नाम का प्रोटीन है, जिससे स्किन वाटरप्रूफ और स्ट्रॉन्ग रहती है, ताकि हमारे ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहे। जो ब्लैक कलर में है वो हेयर फॉलिकल्स है। मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन है, जो स्लीप के साथ लिंक किया है। जब अंधेरा होता है तब आईज जो ग्लैंड मेलाटोनिन प्रोड्यूस करते हैं उससे मैसेज भेजता है। मेलाटोनिन हार्मोन माइक्रोस्कोप से इस तरह दिखाई देता है। एम्प्टी फैट सेल्स। फैट सेल्स ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल्स होते हैं। हमारे स्किन के आसपास फैट का थिक लेयर बनता है, जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। इस इमेज ये सेल्स खाली है, जिसका सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। जब हम वेट पुट ऑन करते हैं तब सेल्स एडिशनल फैट से बढ़ते हैं। बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इस इमेज में ऑरेंज स्पाइडर की तरह दिखने वाली चीजें बैक्टीरियोफेज है। इस बैक्टीरियोफेज के सेल्स 30 मिनट में मरते हैं और न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। एड्रेनालाइन क्रिस्टल्स। एड्रेनालाइन क्रिस्टल्स हमारे ब्रेन का पार्ट है, जो इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमेशा कुछ अमाउंट एड्रेनालाइन हमारे बॉडी में रहता है। एड्रेनालाइन माइक्रोस्कोप में क्रिस्टल्स की तरह दिखता है। इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे बॉडी के इनर पार्ट्स हॉर्मोन्स माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं। जिस तरह वो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं वो हमें आंखों से विजिबल नहीं होते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।